बहुत बहुत बधाई माता गणेश परिवार के हमारे सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ साथ सबको ईद मुबारक, दोनों तीज और ईद आज एक दिन नहीं है। और मैंने तो हमेशा सब लोगों को यह कह के रखा है कि राजस्थान के परिवार का विकास तो तब होगा जब 36 के 36 को हम एक साथ मिलके, सबके सब मजहब एक साथ मिलके प्यार की डोर से बन के आगे चलेंगे तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। नहीं तो जिस तरीके से 55 साल से हम लोगों को गड्ढे में डाल के रखा है कांग्रेस वालों ने, इस तरीके से ही एक दूसरे को लड़ा लड़ा के वो फिर से हमें इसमें डालने की कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, सब लोगों को ये कह के रखा है कि इनका 7 साल राजस्थान चलाने का एक ही राज है और वो कांग्रेस वाले ने ही आके मेरे को बताया था। धौलपुर के अंदर जब मैं थी तो मेरे को केक में एमएलए जो था उसे आके मेरे को ये कहा कि आप जाते हो जनता के बीच में और जनता से पूछते हो कि यह हैंडपंप लगना चाहिए या पानी आना चाहिए, यहाँ आपके सड़क लगना चाहिए, अरे इनसे क्यों पूछते हो, हमसे पूछो। हमने 7 साल सरकार चलाया है और सरकार हमने तब चलाया है जब इनको गरीब से गरीब रखा है, इनको अपने मुसीबत में इतना पीस के रख दिया है कि इनको समय नहीं मिला हमसे पूछने को कि यहाँ पानी क्यों नहीं आया, यहाँ बिजली क्यों नहीं आई, या क्यों रास्ता नहीं बना। और मैं कहना चाहती हूँ भाइयों, यही हमारी बीमारी है। एक तरफ गुजरात आप देख लो कि 15 साल के अंदर गुजरात को कहां से कहां नरेंद्र मोदी ले गए, उधर देख लो मध्य प्रदेश को 10 साल के अंदर शिवराज चौहान ने कहां से कहां मध्य प्रदेश को लेके छोड़ा है। और 53 साल, मैं इसलिए कहती हूँ 53 साल क्योंकि 65 साल हो गए, उस 65 साल में से 5 साल मेरे हटाइए और 7 साल भैरव सिंह जी के हटा दीजिए, 53 साल बच गए। और 53 साल में ये हमारी हालत है, ये हमारी हालत है कि कीचड़ के रास्ते में से हमको निकलना पड़ रहा है। एक एक रास्ते के अंदर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अगर पूछो गांव वालों को कि आप लोगों को सिंगल फेज की बिजली मिलती है कि नहीं मिलती है, आज दिन तक आपको 24 घंटे मिलनी चाहिए थी, मिल रही है क्या? मुश्किल से गांव के अंदर 4 या 5 घंटे बिजली मिल रही है। और माता बहने जब मैं गई थी 2008 में तो 2008 में 18 से 20 घंटे बिजली आपको देखी गई थी। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो आप लोगों को घर में घरेलू बिजली 24 घंटे मिलेगी, ये मैं आप लोगों को आज कह के जा रही हूँ। त्रेपन साल का राज भाइयों, 53 साल का राज। आज क्या 2 दिन से मैं चल रही हूँ आपके इलाके के अंदर और ये आपके इलाके की बीमारी नहीं है, ये सातों संभागों की बीमारी है। मैं धोरी बन्ना के गांव के बताना चाह रही हूँ कि गांव वालों ने आके मेरे से कहा, ये धोरी बन्ना की सड़क की बात चल रही है, ये बाड़मेर की बात है, और उन्होंने मुझे ये कहा कि पूरी की पूरी सड़क ही उड़ गई है, आधी आई और सड़क उड़ गई। और आप लोग तो वो कहानी अच्छी तरह से जानते हो क्योंकि यहाँ तो बरसात आती है पुलिया उड़ जाती है, मालूम ही नहीं पड़ता है सड़क नई की नई बनी है, पानी आता है वो पूरा का पूरा सड़क ही उखड़ जाता है, ये आप लोगों ने देखा है। मैं कल से ठेड़ली मोड़ से चल रही हूँ, ऐसे ऐसे गड्ढे देखने को मिले हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि जनता उसके ऊपर चलती तो कैसे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, माताएं बहने सब जानती है कि उनको बिजली नहीं मिलती है, किसान भाइयों से पूछती हूँ, आपको 8 घंटे बिजली किसी को मिल रही है क्या? किसी को नहीं मिल रही है, मुश्किल से 2.5 घंटे और वो भी ट्रिपिंग के साथ। और अगर आपका ट्रांसफॉर्मर बिगड़ जाता है तो 72 घंटे में घर आता है क्या? आता है तो 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, और वो भी रिश्वत के साथ ही आता है। अगर 2000 से लेके 12000 तक रिश्वत नहीं ली तो आपके घर में वापस वो आना ही नहीं वाला है, क्या मैं सही कह रही हूँ? ये 53 साल नहीं 65 साल का राज है कांग्रेस का। 53 साल के बाद आज ये स्थिति हो रही है कि हमारे बच्चे स्कूल में जाते थे बड़े बड़े ताले लगा के आते हैं क्योंकि टीचर नहीं है। हमारा बच्चा जाता है स्कूल के अंदर तो जो आप लोगों के लेक्चरर होने चाहिए वो नहीं है, थर्ड ग्रेड टीचर सब चीज को सिखाने के लिए वहां बैठी हुई है। और वो क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहते। आज टेट परीक्षा हमारे बच्चों के बीच में आ गई है। आपको मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि इस टेट का प्रबंधन मैं करूंगी और RPSC के द्वारा जिस तरीके से पहले आप लोगों को नौकरी देने का काम मैंने किया था
चाहती हूँ कि 53 साल का ये राज है कि 53 साल अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाती तो अगर 15 साल में आपका काया पलट हो सकता है, 10 साल में काया पलट हो सकता है, तो 53 साल के अंदर तो यहाँ चमन होना चाहिए था चमन। और 53 साल हमने एक ही परिवार और एक ही पार्टी को लगातार दिया है और आज हमें उसका फल हमको ये देखने को मिला है। अब बताओ भाइयों, क्या इस कांग्रेस को फिर से हमें लगा के यहाँ बिठा के रखना है क्या? आप लोगों ने तो पहले बार भी राम एच जी को हमारा साथ देके आप लोगों ने पूरी तरह से हम लोगों का साथ देने में कोशिश की। अब इस बार अपनी सरकार आएगी। जब मैं और एक आपको बता दूं जो मैंने कभी नहीं किया था, ये लोग सब मेरे से नाराज होते थे, परंतु मैंने हमेशा ये कह दिया कि जब अपन जीत के आते हैं, जब तक नहीं जीतते तो आप कांग्रेस के हो और हम बीजेपी के, जब तक हम नहीं जीतते तो जो हमारे विपक्ष में है वो उधर खड़ा है और हमारी पार्टी इधर खड़ी है, परंतु जीतने के बाद ये पूरा का पूरा हमारा परिवार हो जाता है। हम किसी से पूछते नहीं है, हमने कभी जाके नहीं पता किया कि ये हमारा सरपंच जो है वो कांग्रेस का सरपंच है कि बीजेपी का सरपंच। हमने पता नहीं किया कि ये प्रधान या ये प्रमुख किसका है। हमको खाली इतना ही मालूम था कि उसका संकट है और अगर उसका संकट है तो उसके संकट का निवारण करने का काम जो भी उस कुर्सी में बैठता है उसको करने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और उसको वो जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। इसलिए मैंने यहाँ रामेश जी को भी कहा, अपने पार्टी के लोगों को भी कहा कि अपने हाथ में वो बात आ जाती है तो उसमें आप कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सब अपने हैं और सब लोगों का, गांव का इज्जत, गांव की जिम्मेदारी अगर आप लोगों ने हमारे कंधे पे डाली तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने का काम हमें करना ही पड़ेगा। इसीलिए किसी के बीच में झगड़ा नहीं। और मैं सब लोगों को यही कह के आई हूँ कि आप लोगों ने आज दिन तक सब समझ जाओ कि अपने घर के अंदर अगर झगड़ा होता है तो वो परिवार आगे बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है क्या? जब दो भाई लड़ लेते हैं तो हो सकता है क्या आगे? इसीलिए गुजरात बढ़ गया, मध्य प्रदेश बढ़ गया, राजस्थान नहीं बढ़ा, क्योंकि हमारे बीच में मजहब की लड़ाई, हमारे बीच में जात की लड़ाई और ये कांग्रेस ने लगातार चल चल के हम लोगों के बीच में ये करने की कोशिश की है कि भी किसी भी तरीके से आपका एक वोट उस कांग्रेस की जेब में अंदर चला जाएगा। और मैं आपको सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथों हम लोग मिल के सब साथ राजस्थान का विकास करेंगे। तैयार हो भाई? करने के लिए तैयार हो? मैं आप लोगों को एक बार कहना चाहूंगी, आज मैंने देखा है कि सब लोगों ने मेरे को ये कहा कि राजस्थान के अंदर बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, कहीं कुपोषण की बीमारी होती है तो कहीं बेचारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, बच्चे भूखे मर जाते हैं। आज के अखबार के अंदर 40% कुपोषण राजस्थान के अंदर और आज ही 12 क्षेत्र के अंदर 2 बच्चों की मौत। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसीलिए मैंने महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए और महिलाओं को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए ये भामाशाह स्कीम चालू की थी 2007 के अंदर। और 2007 के अंदर हमने सबको कह दिया था कि महिलाओं को हम आगे रखेंगे, महिलाओं के द्वारा हम बैंक अकाउंट खुलवाएंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट के द्वारा 1500 रुपए भी देंगे और साथ साथ में आपको स्वास्थ्य बीमा 30,000 रुपए उस कार्ड के ऊपर भी देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। अब भाइयों, आप लोगों ने मेरे से पूछा कि महिला क्यों? मैं समझती हूँ कि महिला घर की बरकत होती है। जब महिला को आप पढ़ा दो, लिखा दो, जब महिला को आगे कर दो तो महिला तो मर जाएगी पर सबसे पहले अपने परिवार का पोषण पालन पोषण करेगी। सबसे पहले ही देखेगी मैं भूखी रह जाऊंगी पर तो मेरा परिवार आगे भूखा कभी ना हो, मैं भूखी रह जाऊंगी, मैं बीमार हो जाऊंगी पर तो मेरा बच्चा कभी भी बीमार ना भूखा कभी हो। इसे चला के महिलाओं को आगे करके 50 लाख परिवारों को भामाशाह योजना के साथ जोड़ने का काम मैंने किया था। 200 करोड़ रुपया अभी भी बैंकों में पड़े हुए हैं और मैंने कह दिया था कि बीपीएल के परिवार, आपके एससी और एसटी के परिवार, आपके लघु और सीमांत कृषक के परिवार, ये सब परिवारों को, एससी और एसटी के परिवार, इन सब परिवारों को वो 50 लाख परिवारों में महिलाओं को आगे रख के हम जोड़ेंगे। 1500 रुपए से हमारे उनका बैंक अकाउंट खोलेंगे, उनको पेंशन का इंतजाम, सब इंतजाम महिलाओं के द्वारा करेंगे और अगर महिलाओं की वो स्कीम हो जाती तो मैं आज मानती हूँ कि हमारे बच्चों को कुपोषण की मौत मरने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमारी महिलाएं पहले खड़ी हो जाती।
उनको बच्चों को देखती, आज एक कुपोषण की मौत हमको देखना पड़ रहा है। और मैं देख के मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि आज हमारे राजस्थान के अंदर हमको ये देखने की आज ये नौबत हुई। मैं पूछना चाहती हूँ कि 4.5 साल तो कोई काम नहीं किया ना, कहीं बिजली नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं सड़क नहीं, कहीं रोजगार नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं टीचर नहीं। मैं जगह जगह पे देखा तो यहाँ आप लोगों के डॉक्टर की क्या स्थिति है, बीबी रानी पीएचसी में मात्र एक ही डॉक्टर और एक ही कंपाउंडर है। गनीमत है आपके पास एक कंपाउंडर भी है, डॉक्टर भी है, आपको इससे ज्यादा मांगना भी नहीं चाहिए सरकार से। और किशनगढ़ वास के सामुदायिक अस्पताल में आज के स्थान पे 4 डॉक्टर हैं और स्त्री रोग विशेषज्ञ तो मेरे को कहीं भी राजस्थान में नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। समझ में नहीं आता है, मैं थी तब उस समय नहीं थे कि क्या बात थी, मैंने कहीं नहीं उनको मिला और यहां भी नहीं। फिजिशियन नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, तो मालूम नहीं कैसे जांचें होती हैं। मैं तो ऊपर पता किया तो मेरे को यह बताया गया कि मुफ्त जांच होती है सबकी और मुफ्त दवाई मिलती है सबकी। आपको मिलती है क्या माता बहन, किसी को मुफ्त जांच हुआ, किसी को मुफ्त दवाई मिली? इसके बारे में तो मैं नहीं जानती, परंतु मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मुफ्त दवा के नाम पे तो जहर बट रहा है। अगर कोई गया तो जहर बटा। मैं गई थी अभी अभी झुंझुनू के अंदर, तो झुंझुनू के अंदर कलेक्टर ने छापा मारा था अस्पताल के अंदर, तो मिले इतने बड़े बड़े इंजेक्शन, इंजेक्शन के अंदर कांच, सीधे ऊपर जाने का काम था वो, जिसको भी मिल जाता वो इंजेक्शन। और वही नहीं, इसके अभी देखा उदयपुर जिले में कोटला ब्लॉक की सीएचसी में ये मामला आया कि सीएचसी के अंदर 2011 में जो सैंपल दवाइयां सेल हो गई थी वो गरीबों को बांटा जा रहा था। अकेले उदयपुर जिले और कोटला और झुंझुनू के नहीं है, खिजड़ी के अंदर भी ये देखा और ज्यादातर प्रदेश के अंदर जो मेरे को देखने को मिला वो ज्यादातर यही मिला। और आज के अखबार के अंदर भी ये उदयपुर का हमारे पास हवाला है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तरफ तो कहो कि आप गरीब के लिए काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब को मारने का इस तरीके का काम हो, पालन पोषण नहीं हो। और माता बहने मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने उसके साथ साथ आप लोगों को स्वास्थ्य बीमा भी लगा दिया था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि माता बहने वो 1500 रुपए का अच्छा काम करेंगी और अगर स्वास्थ्य बीमा की उनको जरूरत पड़ गई तो वो स्वास्थ्य बीमा का भी काम करें, क्योंकि महिला जो है वो एक दफा सक्षम हो जाती है तो वो अपने परिवार को लेकर रख देती है। माफ करना 1500 रुपए कभी मैंने आदमी के हाथ में दे दिया तो हो सकता है वो शराब में दे जाए, पर महिला कभी नहीं करेगी, महिला कभी नहीं करेगी। इसलिए मैंने महिला को आगे रखा और मैंने कहा 50 लाख परिवार का अगुवाई महिला अपने अंगूठा टेक हो चाहे अपना दस्तखत करने वाली उसके हाथ से हम करेंगे तो पूरा का पूरा परिवार अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये काम आप लोगों के सामने किया, जो अगर 2007 के अंदर हो जाता तो आज तक आप लोगों को पेंशन और सब ये काम हो जाता। आप जल्दीबाजी में भागा भगौड़ी हो रही है, अरे जाओ जाओ किसके पास पेंशन ले जाओ, दस्तखत कर लो, अंगूठा मार दो, पेंशन ले जाओ, जाओ जाओ जाओ। अरे ऐसा थोड़ी होता है। हमने चुनाव को देख के कभी नहीं, हमने हमेशा अपने परिवार को देख के परिवार की जरूरतें क्या है आगे चल के उसके ठोस कदम उठाने का हम लोगों ने काम किया। पर मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि वही ठोस कदम हम आगे, हमें 5 महीने की सरकार नहीं चलानी है, हमें ये सब दे दे के लोगों को अपने झूठ और फरेब की जाल में बांध के आगे वैसे नहीं रखना है। हमें पूरे कार्य योजना के साथ 5 साल चलाने हैं ताकि जनता को जनता की जो मुसीबतें हैं उनको हटाने का घटाने का मौका मिले। यही हुआ है आपके गुजरात के अंदर और यही हुआ आपके मध्य प्रदेश के अंदर। और राजस्थान जो एक जमाने में वहां हुआ करता था आज यहाँ पहुंच गया। और आपको याद होगा कि जब सरकार हमारे हाथ में आप लोगों ने दी तो वो राजस्थान बीमारू प्रदेश था, 5 साल के अंदर उस राजस्थान को उठा के हम लोगों ने अपने पैर पे खड़ा किया, आप लोगों के पैर के ऊपर खड़ा करके हमने वो स्थिति बनाने की कोशिश की कि यहाँ व्यवसायी आए या हमारे बच्चों को नौकरी का इंतजाम हो, ऐसे ऐसे नए स्कीम्स दिए। हमारा राजस्थान उस लेवल पे पहुंच चुका था। मैं आज भी आपको कह रही हूँ कि हमारी सरकार फिर आएगी, हम लोग फिर अपनी जनता को अपने पैर पे खड़ा करने का काम करेंगे। और ये एक व्यक्ति नहीं, ये पूरा का पूरा परिवार मिलकर करेगा तब मैं जानती हूँ कि राजस्थान का विकास बदलेगा, नहीं तो बदल नहीं सकता। भाइयों अपन कुछ भी करा लो, या मैंने कभी भी किसी को वोटों के लिए झूठ बोल के वोट नहीं किया।
आज ये लैपटॉप आपके अलवर के अंदर मैं देख रही हूँ कि लैपटॉप के ऊपर कितना हल्ला मचा हुआ है। लड़कियों ने धरना देके सबको कहा कि हमें ऐसे लैपटॉप नहीं चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, प्रॉपर लैपटॉप चाहिए। ये मालूम नहीं आप हम लोगों को क्या दे रहे हो, कई लोगों ने इनको कहा। इसके साथ साथ इन लोगों ने घटिया लैपटॉप की बात सब दूर करी है पूरे प्रदेश के अंदर। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये सब काम है कमीशन का खेल, कमीशन का खेल है। हम इतने लेंगे, आधे हम अपने जेब में डालेंगे और आधे हम ऐसे ही जनता को टुकड़े जैसे हिसाब से फेंक देंगे। अरे हमें आपके टुकड़े नहीं चाहिए, हम लोगों को इज्जत से और स्वाभिमान से रहने का काम है। हम राजस्थान के वासी हैं और राजस्थान के वासियों का नाम पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर है। और हम अपना सिर ऊंचा करके जिएंगे, ये मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ। लैपटॉप के अंदर भ्रष्टाचार, जमीन के अंदर भ्रष्टाचार, खनिज के अंदर भ्रष्टाचार, नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार, लेक्चरर बनेंगे तो अपने ही खुद के लोग सब अपने जेब में चला जाएगा। जनता के लिए हम कुछ करने को तैयार नहीं है, परंतु पांचवें साल में हम आके जरूर कहेंगे अरे वोट दे दो भाइयों, और वोट नहीं मिलेगा तो हिंदू मुसलमान को लड़ा देंगे, जात जात को लड़ा देंगे। हमें किसी चीज के ऊपर रुकना नहीं है, किसी भी किस्म का पाप हम करने को तैयार है, बस हमें वोट दे दो भैया, हमें वोट दे दो। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि राजस्थान आगे ऐसे नहीं बढ़ सकता भाई। हम तो आपके लिए दौड़ने को तैयार हैं, परंतु आप अपने लिए अपने पैर पे खड़े होने को तैयार हो कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। एक नया राजस्थान बनाना है भाइयों। इस नए राजस्थान के अंदर हमारी माता बहनों की इज्जत अपने को उनको वापस देनी है। हमें चाहिए कि ऐसी सरकार जो सरकार उनको इज्जत देके उनको सुरक्षित रखे, ऐसा अपने सड़क पे चल पाए माताएं बहनें जो आज नहीं चल पा रही। आज उनके साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, जयपुर में भी नहीं छुड़ा है तो क्या बचा हुआ है। पुलिस थानों के अंदर उनके साथ बलात्कार होके उनके गला घोटा जा रहा है, ये रामगंज मंडी के अंदर हुआ है और थानों के अंदर हुआ है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो होगा क्या भाई, ये है स्थिति आज। और मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ये सब चीजों को अब रोकना पड़ेगा। मैं सब उन अधिकारियों को भी कहना चाहती हूँ जो इन सब चीजों के अंदर लिप्त हैं, जो सोच रहे हैं कि हम लैपटॉप के अंदर भी और हम क्या कहते हैं साड़ी और लुगड़ी के अंदर भी हर चीज के अंदर हम पैसा देने का काम करेंगे, तो हम पैसा भी उन लोगों को देंगे, आधे पैसे अपने जेब में भी डालेंगे। उन सबको मैं बात बताना चाहती हूँ कि ये मामला आएगा ध्यान में तो दंडित होंगे, इन किसी को छोड़ने वाले हम नहीं। एक तस्वीर मेरे सामने है भाइयों, ये शर्म की बात है, ये जोधपुर में हुआ है। जोधपुर के अंदर एक तरफ मुख्यमंत्री बैठा है, जनसुनवाई कर रहा है, दूसरी तरफ एक टेबल लगा हुआ है और सार्वजनिक रूप से 100-100 रुपए के नोट बांटे जा रहे हैं। अब बताओ इससे और क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है बताओ। ये आप चुनाव के टाइम में इस तरीके से करोगे, हम लोग सबके ईमान को टेबल के ऊपर रखोगे और आपके एसडीएम के द्वारा, आपके तहसीलदारों के द्वारा 100-100 रुपए के नोट बांटने का काम करोगे। मैं सब लोगों को कह दिया है कि अपना पैसा है ये, अपने खून और पसीने की कमाई है, ये हमारे जेब में से निकाला जा रहा है, सब आपका पैसा है, जरूर लो, नहीं तो ये इनके काले धन में जमा हो जाएगा। एक चीज याद रखना कि आप लोग इसको जले ही लेना, परंतु जब मौका आएगा तो ये याद रखना कि ये राजस्थान का आखिरी वक्त है। इसके अंदर हम लोग सबको खड़ा होकर उन दुष्टों को खदेड़ के बाहर करें जिन लोगों ने हमारे को इस परिस्थिति के अंदर डालने का काम किया है। हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। 9 अगस्त आज है ना, 9 अगस्त का दिन है। 9 अगस्त को हमने सब ऐसे लोगों को अपने देश से भगा दिया था जिन लोगों ने हमारे देश के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी, याद है आप लोगों को। आज संकल्प ले लो कि जिन लोगों ने हमारी जिंदगी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करने की बात की है या कोशिश की है, उन लोगों को भी राजस्थान की कुर्सी से हटाने का काम आज संकल्प लेके हम करने की शुरुआत करेंगे। और अगर तैयार हो तो दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को कह दो कि हम राजस्थान के लिए सब करने को तैयार है, ताकि हम आपके एमएलए साहब सब लोग मिलके अपने राजस्थान प्रदेश के अंदर वो काम कर सकेंगे जिस काम से हमारे राजस्थान प्रदेश को हम आगे बढ़ा सकेंगे। याद रखना, आपके बीच में आके आपको लुभाएंगे और आपको डराएंगे भी, पर अपने को डरना नहीं है, अपने को अब डरना नहीं है। डरा तो हम लोगों को कब से रहे हैं, 5 साल हो गए, कभी किसी को जेल में डालने की बात करते हैं तो कभी खंगालते हैं फाइलें, तो कभी आपने वो माथुर कमीशन बना दिया, सब कुछ कर दिया। जब पकड़े जा रहे हो ना खुद,
तब उस समय दो उंगली मेरी तरफ लगे, बोलते हैं उनको देखो उनको देखो, तो खुद रहे जो बदमाशियां करना है। और पूरी जनता इस चीज को जान रही है, इसलिए आप संकल्प लेकर तय कर लेना कि आने वाले समय के अंदर इस राजस्थान को आगे ले जाने का, राजस्थान के साथ साथ अपने परिवारों को ले जाने का हम लोगों ने काम तय कर लिया है। राजस्थान होगा विकसित, ऐसा विकसित राजस्थान जिसको वहां अग्रणी पंक्ति के अंदर खड़ा करने का हम सब मिलकर काम करेंगे। अगर तैयार हो तो एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। सब लोग मिलके, हम सब मिलके, माताएं बहने युवा और बुजुर्ग सब लोग मिलके राजस्थान को विकसित बनाने का काम करेंगे। हाथ चले एक दूजे के साथ, अरे हो